साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एलसीएम एससीएफ पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप जानते ही होंगे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका बेकार है मैथ पढ़ना। उसी तरह से एलसीएम में, उसमें भी एलसीएम भी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप नहीं जानते हैं तो आपको इतनी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो आज आइए हम लोग जानते हैं, बेसिक से मिड तक जाएंगे, है कि नहीं। आप समझेंगे कि एलसीएम क्या है, एससीएफ क्या है, एलसीएम का अर्थ समझेंगे, एससीएफ का अर्थ समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे उनके आगे बढ़ेंगे। आज कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को जानने का। तो वही गलती आप लोग ना करें जो गलती करते आ रहे हैं। वो गलती कौन सी? तो गलती वो जो आप जब भी बैठते हैं वीडियो को देखने के लिए तो आप बिना कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं। आपसे विनती है कि आप क्या कीजिए, आप कॉपी और कलम को लेकर के बैठे। थोड़ा देर के लिए वीडियो को रोकिए और आप आइए, पहले कॉपी और कलम कहाँ है सामने पे लीजिए और बैठ जाइए, और उसके बाद आप इसको देखिए। जहाँ पे हो इसको नोट भी करें, थोड़ा सा अगर लग रहा तो रोके, फिर उसको नोट करें, फिर इसको प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप चलें। फर्स्ट टाइम आप ज़रूर कॉपी कलम का इस्तेमाल करें। आपको अगर अच्छे तरीके से 100% समझना है तो आप ऐसा कीजिए। देखिए, ये जो वक्त है आपका बहुत ही कीमती है, इस वक्त को बर्बाद ना करें। चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई भी, जब किसी का वक्त चला जाता है तो बाद में अफसोस करता है। बाद में आपको अफसोस करके कोई कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आप सीरियस अभी से हो जाइए, यानी जब जागो तब सवेरा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एलसीएम और एससीएफ के बारे में ना। तो चलिए देखिए, एलसीएम एंड एससीएफ। देखिए, सबसे पहले हम इसका हिंदी नाम बताते हैं कि एलसीएम का हिंदी क्या नाम होता है। तो एलसीएम का हिंदी जो नाम होता है लघुत्तम, पहले मैं हिंदी में ही ऊपर लिख देता हूँ, लघुत्तम समापवर्त। इसका हिंदी जो नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, इसका एलसीएम बोला जाता है। जिसका और दूसरा जो है आपका वो है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसका जिसको बोलते हैं हम लोग एचसीएफ, है ना। तो हिंदी में आप समझ गए होंगे कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को ही लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है, जबकि एससीएफ को महत्तम समापवर्त कहा जाता है। इसे हम लोग जानेंगे कि इसको जीसीडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीसीडी। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं क्या कि एलसीएम है क्या और एससीएफ है क्या। तो उसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म को जानते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, या नहीं तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल हम लिख देते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। इसका हिंदी होता है फुल फॉर्म होता है, और एससीएफ को फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपुल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आशा करते हैं कि आप इस फुल फॉर्म को समझे होंगे। तो चलिए हम इन सब चीज को बारीकी से हम तोड़ के एक एक चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मल्टीपुल किसको बोलते हैं। यहां से जिक्र किया गया है मल्टीपुल, आइए हम लोग इस मल्टीपुल के बारे में चर्चा करते हैं कि ये मल्टीपुल क्या होता है। तो मान लीजिए कोई नंबर है, ये चार है, चार है। ये नंबर जो है हम यहाँ लिख रहे हैं, ये नंबर आपका चार है, और इस चार का जो मल्टीपुल होता है, आपका चार है, आठ है, बारह है, सोलह है, बीस है, चौबीस है, अट्ठाईस है। आप इसका मतलब मल्टीपुल समझ रहे हैं ना, समझे। देखिए, चार दूना आठ,
चार एक चार, चार दो आठ, चार तीन बारह, चार चार सोलह, चार पंच बीस, चार छह चौबीस, चार सत्तर आठ, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट। और हम एग्जांपल लेते हैं, हम छह का ले रहे हैं, छह का मल्टीपुल, तो छह का मल्टीपुल छह हो जाएगा, बारह हो जाएगा, अठारह हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, तीस हो जाएगा, आपका छत्तीस हो जाएगा, इस तरह से आपका इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो छह का मल्टीपुल क्या है? छह का छह, छह दुना बारह, छो तीन अठारह, छो चौक चौबीस, छो पंचे तीस, छह छह छत्तीस। आपका और मल्टीपुल आपको समझना है तो और हम दे रहे हैं आपको, तो आपका मल्टीपुल लेते हैं आठ को, तो देखिए आठ का मल्टीपुल आठ एक आठ हो जाएगा, फिर आठ दुना सोलह, आठ तीन चौबीस, आठ चौका बत्तीस, आठ पंचे चालीस, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, है कि नहीं? तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आप मल्टीपुल को समझे होंगे। ठीक, मल्टीपुल के साथ हम आप जो बात करते हैं वो फैक्टर की बात करते हैं। क्या चीज की बात करते हैं? फैक्टर। देखिए फैक्टर, फैक्टर जो यहां दिख रहा नहीं है, फैक्टर फैक्टर, इस फैक्टर के बारे में बात करते हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं? तो हम एक नंबर लेते हैं और वो नंबर है आपका 18। वो नंबर क्या है? 18। तो आपसे पूछा जाएगा कि 18 का फैक्टर क्या है? 18 का फैक्टर एक है, दो है, तीन है, छ है, नौ है और 18 है। ये आपका फैक्टर हो गया 18 का। और हम नंबर लेते हैं, वो नंबर आपका 24 है, 24। पूछेंगे 24 का फैक्टर क्या होता है? तो बोलेंगे एक है, दो है, तीन है, चार है, छः है, आठ है, बारह है और आपका जाकर के 24 है। आप ये देख रहे होंगे फैक्टर हो गया। आशा करते हैं कि आप इसको भली भांति समझे होंगे। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 32 का, इसका 32 का। तो 32 का जो फैक्टर वो एक है, दो है, चार है, आठ है, सोलह है और आपका जाकर के 32 है। तो आप ये फैक्टर को भी देखिए और ये मल्टीपुल का भी देखिए। तो देखिए फैक्टर और मल्टीपुल में क्या फर्क है ये देखिए। यहां पर देखिए कि ये जो दिया हुआ नंबर है, ये नंबर इन सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, काट रहा है। देख लीजिए ना, यहाँ जो नंबर दिया हुआ, ये नंबर देखिए इन सबको काट, देखिए चार इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। उसी तरह से छह देखिए इन सबको क्या कर रहा है? काट रहा है। और यहाँ पर आठ देखिए इन सारे को काट रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आएगा कि एलसीएम फैक्टर है, मल्टीपुल किसको बोलते हैं। जबकि फैक्टर में क्या है कि ये जो नंबर है, ये दिया हुआ नंबर इनको काट रहा है। देखिए ये एक इनको काट रहा है, दो भी काट रहा है, तीन भी काट रहा है, छह भी काट रहा है, नौ भी काट रहा है, अठारह भी काट रहा है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया। देखिए 24 का फैक्टर जो होता है, जितना फैक्टर है वो सारा फैक्टर इस नंबर को काट रहा है। 32 का जो फैक्टर है, इस सारा नंबर देखिए इनको काट रहा है। देखिए एक भी काट रहा है, दो भी काट रहा है, चार भी काट रहा है, आठ भी काट रहा है, सोलह भी काट रहा है और 32 भी काट रहा है। तो अब फैक्टर समझ में आ गया होगा और मल्टीपुल समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, है कि नहीं? और आगे निकल कर आपको समझाते हैं। तो आगे आपको करने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि आपको फैक्टर में से किसी एक नंबर को मिटा रहे हैं, तब आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगा। हम इस नंबर को भी मिटा रहे हैं। अब आप देखिए मल्टीपुल तो हम समझ गए, अब हम बात करते हैं कॉमन की। तो बताइए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? ये दो नंबर के बारे में बात करें तो बोले कॉमन तो यहाँ 12 दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है? कॉमन हमारा क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। फिर और क्या दिख रहा है? तो बोलेंगे कॉमन तो मेरा 24 दिख रहा है कि नहीं? इस तरह से आगे जो है आपका कॉमन दिखते जाएगा। यानी कॉमन क्या दिखा आपका? तो कॉमन आपका 12 दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है आपको? कॉमन जो आपको दिखा, आपका जाके 12 दिखा, फिर क्या दिखा? 24 दिखा। तो ठीक 12 दुना 24, उसके बाद फिर आपका क्या होगा? 36 कॉमन दिखेगा। फिर आगे दिखे 12 दुना 24 बढ़ते 36, फिर 48। इस तरह से आपका कॉमन आगे बढ़ते जाएगा। तो एक चीज बताइए आपको, यहां पर मल्टीपुल भी समझ में आ गया, कॉमन भी समझ में आ गया। अब बात है लिस्ट की। यहां पर किसकी बात करेंगे? लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है? लघु यानी छोटा।
लिस्ट मतलब क्या होता है, लघु यानी कि छोटा। तो इस मल्टीपुल में ये कॉमन निकला, क्या निकला, 12, 24, 36, 24, 48, ये सब क्या है, कॉमन निकला। लेकिन उस कॉमन में भी हमको किसको लेना है, लिस्ट को लेना है यानी छोटा को लेना है, और वो छोटा कौन है, 12 है। इसी 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, LCM। इसी 12 को हम लोग क्या बोलेंगे, LCM। LCM बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपुल यही है। सबसे पहली बात, 12 मल्टीपुल है कि नहीं, बोले हाँ। क्या 12 कॉमन है, तो बोलेंगे हाँ। और लिस्ट यानी छोटा है, तो बोलेंगे हाँ, सबसे छोटा मल्टीपुल कॉमन है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे फैक्टर क्यों, तो फैक्टर तो हम लोग निकाल लेंगे, फैक्टर है दोनों फैक्टर। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन की, तो कॉमन क्या मिला, तो बोलेंगे यहाँ पर 1 मिला है कॉमन। फिर बोलेंगे और क्या मिला, तो बोलेंगे 2 भी कॉमन मिला है। फिर बोलेंगे और क्या मिला, तो बोलेंगे 3 भी कॉमन मिला है। बोलेंगे और क्या कॉमन मिला, तो बोलेंगे 6 भी कॉमन मिला है। बोलेंगे और, तो बोलेंगे अब कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो आप यहां पर देख लिए होंगे, क्या देखें, यहां देखिए कि कॉमन जो है आपको, देखिए ये तो फैक्टर हो गया, दूसरा आपका बात क्या हो रहा है, कॉमन का। तो यहां पर कॉमन भी आपको मिल गया, कॉमन क्या क्या मिला, तो कॉमन आपका 1 मिल गया, आपका 2 मिल गया, फिर आपका 3 मिल गया, फिर आपका 6 मिल गया। ये क्या है, आपका कॉमन है। तो आपको फैक्टर भी मिल गया, कॉमन भी मिल गया। अब हम आगे बात करते हैं, कि बोला गया है हाईएस्ट, क्या बोला गया है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब अधिकतम होता है। तो देखिए ये फैक्टर भी है, कॉमन भी है, इसमें से हमको हाईएस्ट चुनना है, बड़ा चुनना है, बड़ा। तो बड़ा कौन होगा, 1, 2, 3, 6 में बड़ा कौन है, तो बोलेंगे 6। यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ किसको बोलता है, एलसीएम किसको बोलता है। इस दोनों माध्यम से आपको एलसीएम भी समझ में आ गया, एचसीएफ भी समझ में आ गया। अगर आपको ये एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुई होगी, हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि मैं बड़ा ही शांतिपूर्वक इसको बताया, बड़ा। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ में अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हुई, तो आप पीछे कीजिए और पीछे से फिर आप देखिए, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगी। अब हम थोड़ा सा इनके आगे बढ़ते हैं, कि नहीं, इनके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अब जो है हम लोग एलसीएम और एलसीएम का बेसिक फंडा तो समझ गए हैं, कि आखिर के एलसीएम क्यों बोला गया, एलसीएम को एलसीएम क्यों बोला गया, एचसीएफ को एचसीएफ क्यों बोला गया। अब ये चीज को तो हम समझ गए। अब हम लोग इसमें से बारीकी से एचसीएफ को बारीकी से समझेंगे, एलसीएम को बारीकी से समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में जो है आपका, हम तीन मेथड बताएंगे, जिसमें से पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिसमें से पहला मेथड जो है आपका वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं इनका इस्तेमाल करूंगा, और इनको देखिए हल्के में ना लें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप बड़ा ही आसान, आप सीरियस होकर के इनको देखिए और समझिए। तो लॉन्ग डिविजन मेथड क्या है, तो देखिए मैं दो नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर 18 लिया और एक नंबर 24 लिया, दो नंबर है, और इनको जो मैं एचसीएफ निकालूंगा लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालूंगा। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप बताएं कि मैं बड़ा कौन है, तो बोलेंगे इसमें से 24 बड़ा है, कौन बड़ा है, 24। तो जो यहाँ पर बड़ा है ना, उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे, किस रूप में, भाज्य के रूप में, और जो छोटा है उसको भाजक के रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए 18 एक 18 हो गया, फिर आपका क्या बचा, यहाँ पर 6 बच गया है ना। अब हम इसको 6 को यहाँ लिए और ये 6 को नीचे ले लिया, इस 18 को यहाँ पर लिखेंगे। और आप इस मेथड का इस्तेमाल 9th-10th में किए हैं भरपूर मात्रा में, अगली बात समझ, 6 दिया 18। अब ये आपका शेष पद, जहां पर ये पूरी तरह से कट जाए, जहां पर पूरी तरीके से कट जाए, जिससे कट जाए, वही आपका क्या कहलाते हैं, एचसीएफ। क्या कहलाते हैं, एचसीएफ। इन्हीं को हम लोग जीसीडी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, है कि नहीं। और बड़ी संख्या 6 है जो इसको पूरी पूरी काट सकते हैं, किसको, 18 को भी और 24 को भी। अब भली भांति आप समझे होंगे बढ़िया से। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नंबर में ले रहा हूँ
48 और एक नंबर मैं ले रहा हूँ, कौन सा नंबर लूँ, चलिए 36 ले लेता हूँ, है कि नहीं। ये दो नंबर लिए, सबसे पहले बताएं ये इधर था आपका, एक दूसरा नंबर लिया, आप इसमें से बताएं कि बड़ा कौन है, तो बोलेंगे इसमें बड़ा जो है वो 48 है, तो जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग भाजक के रूप में काम, भाज के रूप में काम करेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको भाजक के रूप में काम करेंगे। ऐसा करते हैं, समझ गए जो लिख रहे हैं। अब इसको 36 एक 36 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1। आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला 36 को फिर यहाँ लिखेंगे, और क्या करेंगे, 12 तिया 36, पूरा पूरा कट गया ना। तो पूरा पूरा जो कट गया वो किससे कटा, इससे। हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, HCF या नहीं तो GCD। हमने GCD भी उसी को बोला जाता है HCF, खास करके GCD का इस्तेमाल लॉन्ग डिविजन में किया जाता है, इन्हीं को GCD बोला जाता है खास करके, इसीलिए HCF और GCD वही चीज। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जो आपको क्लियर करने के लिए है ना। लास्ट मैं ले रहा हूं 72 और एक मैं ले रहा हूं 48, है ना, 48। अब देखिए कैसे क्या करना है, इसमें जो है बड़ा कौन हो गया, तो आपको बोलेंगे 72 बड़ा हो गया और 48 क्या हो गया, छोटा। तो यहाँ पर हम लोग 48 को भाजक के रूप में काम करेंगे और 72 जो बड़ा है उसको भाजक के रूप में काम करेंगे। अब हम लोग बोलेंगे 48 एक 48। अब यहाँ से देखिए 48 में से घटे घटे कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 24 हो गया। अब फिर मैं 24 यहाँ पे लिया और इस 48 को यहाँ ले लूंगा, और इस तरह से क्या होगा, 24 दूना 48। आप यहाँ देख रहे हैं ना, पूरा पूरा कट गया, और जहां 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 पूरा पूरा कट जाएगा वही क्या कहलाएगा, HCF, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GCD। आशा करते हैं कि आपको लॉन्ग डिविजन मेथड आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर मेथड की ओर, है ना। चलिए लॉन्ग डिविजन मेथड आपको समझ में आ गया है ना, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर मेथड। चलिए फैक्टर मेथड कैसे बनाया जाता है वो देखिए। फैक्टर मेथड के में हम लोग देखते हैं कि दो नंबर ले रहे हैं, एक नंबर हम 18 ले रहे हैं और दूसरा नंबर हम 24 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 18 और 24 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए शुरुआती दौर है, अभी हम लोग को सीखना है, कैसे सीखना है देखिए। तो ये आपका 18 हो गया और इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 9 18, फिर क्या निकलेगा 3 से 3 3 9। तो इस तरह से देखिए 18 का जो हम लोग फैक्टर निकाले तो क्या निकला, 18 का फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3, यही निकला ना। अब हम लोग फैक्टर निकालते हैं 24 का, किसका निकालते हैं 24 का। 24 का कैसे निकालेंगे, 2 1 2 और 2 2 4, फिर हम 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से क्या करेंगे 2 3 6। तो इस तरह से हम लोग 24 को जो है ना क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से लिखेंगे। एक चीज और ध्यान दे कि पहले आप लोग देखें इसको, तो फैक्टर मेथड में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर मेथड में करना क्या है, कॉमन दिखना है, कॉमन। तो देखिए 2 कॉमन दिख गया, अब देखिए 2 दिख रहा है इसमें क्या, यहाँ तो है 2 लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए नहीं। लेकिन देखिए 3 आपका दिख रहा है, देख लीजिए तो 3 दिख रहा है ना आपका, ये क्या कॉमन दिख गया, ये आपका चलेगा। तो इस तरह से क्या क्या मिला, 2 मिला और क्या मिला, 3। इस तरह से 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 6। यही आपका क्या हो गया, आपका HCF हो गया, क्या हो गया, HCF। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर मेथड से कैसे निकाला जाता है HCF को। इसी को आप ध्यान दें कि दूसरे तरीके से इसको और क्या करें, फैक्टर मेथड में ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इस जो 2 गुना 3 गुना 3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कहा जाए कि इसके पावर में 1 है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, देखिए 3 जो 2 है ना, इसलिए 2 का पावर 3 लिखे, और 3 का पावर 1 है इसलिए।
तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए दो दिख रहा है ना, दोनों में दो है, तो जब दोनों में दो दिखे ना तब ध्यान दीजिए किसका पावर कम है, छोटा, तो बोलेंगे यहाँ पावर एक है। और यहां पर देखिए तीन दिख रहा है ना, इसमें देखिए किसका पावर कम है, तो बोलेंगे इस तीन का पावर कम है। तो इस तरह से दो का पावर एक दो हो गया, तीन का पावर एक तीन हो गया, यानी कितना हो गया छह। यही आपका क्या बन गया, HCF, क्या बन गया यही आपका HCF। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा कोई नया नंबर लेते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए चलिए हम कोई और नंबर लेते हैं, वो नंबर आपका है ना, आपका नंबर है 36 और 48, ये हम नंबर लिए और इसका हम लोग फैक्टर मेथड से निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। इसका हम लोग फैक्टर मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग 36 का जो है ना, 36 का फैक्टर निकालते हैं दो से, दो एक दो और एक बच गया तो दो अठे 16, फिर दो से दो नवा 18, फिर दो से करेंगे क्या होगा, तीन तिया 9 आइए। तो इस तरह से 36 का जो फैक्टर निकला वो क्या निकला वो देख लीजिए, 36 का जो फैक्टर निकला वो देखिए आप क्या निकला। तो 36 का फैक्टर बोलेंगे हम लोग तो वो निकला दो गुना तीन गुना तीन, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम 48 के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। दो से करेंगे तो दो दूना चार और दो चौका 8, फिर हम दो से करेंगे दो एक का दो और दो दूना 4, फिर दो से करेंगे तो दो छक 12, फिर दो से करेंगे तो दो तिया 6, इस तरह से। तो इस तरह से इस बार 48 का जो निकला वो कितना निकला, तो बोलेंगे दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन, यही आया ना। अब इसमें से देखिए कॉमन कौन दिख रहा है, तो बोले कॉमन जो है ये दो दिख रहा है, दो का ये दो कॉमन दिख रहा है, इस दो का तो कॉमन नहीं, इस दो का कॉमन, लेकिन इस तीन का तो कॉमन दिख गया है। इस तरह से क्या क्या दिखा, तो बोलेंगे दो दिखा, फिर दो दिखा और फिर तीन दिखा। इस तरह से दो दूना चार दिया 12, कितना हो 12, यानी 12 ही आपका क्या हो गया HCF। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। फिर मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि इसी को हम दूसरा रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इसको जो लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 को हम लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। देखिए दो ठो दो है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं दो का पावर दो, और दो ठो तीन है तो तीन का पावर दो लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 48 में हम लोग क्या लिखेंगे, कई ठो तीन चार को दो है ना, तो हम लोग दो का पावर चार लिख देंगे, और एक वो तीन है इसलिए तीन का पावर एक लिखेंगे। तो मैंने अभी तुरंत बताया, क्या बताया कि जिसका पावर मिनिमम रहे, लेकिन दोनों में रहना चाहिए, दोनों में, एक में नहीं दोनों में, जिसका पावर क्या रहे कम रहे, किसका पावर कम है, तो बोलेंगे यहाँ पर दो तो दिख रहा है और तीन भी दिख रहा है, लेकिन इसमें से इस वाले दो का पावर कम, यानी दो, देखिए चार है और दो है तो कौन सा छोटा वाला, दो, इसी दो को लिखे। उसी तरह से यहाँ देखिए दोनों में तीन है, लेकिन तीन है लेकिन क्या है पावर किसका छोटा है, बोलेंगे इसका पावर एक, दो का पावर दो कितना होता है चार, तीन का पावर एक तीन होता है। इस तरह से चार दिया 12, यही आपका क्या हो गया HCF। आशा करते हैं कि ये आपको भली भांति समझ में आए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर तो दो नंबर लिए थे, अब मैं तीन नंबर लेने की ओर जा रहा हूँ। चलिए तीन नंबर कैसे करना है देखिए, तो तीन नंबर जो है ये देखिए, तीन नंबर अगर आपका जैसे रह गया 22 है ना, फिर आपका रह गया 44 और फिर आपका रह गया 66 है ना, या नहीं तो आपका रह गया 55 नहीं तो 77 ही ले लेते हैं, 77। तो आप इनका कैसे क्या करें, तो देखिए 22 है ना, आप 22 को आप लिख सकते हैं किस तरह से, 22 को आप लिख सकते हैं 11 गुना 2। उसी तरह से 44 है ना, तो 44 को आप लिख सकते हैं 11 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 11 गुना 22 गुना 44। वहां 77 है तो 77 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 11 गुना 7। तो आप देखिए इस तीनों में से कॉमन दिखना होगा, वो तीन नंबर है तो तीनों में कॉमन दिखना पड़ेगा, तो बोलेंगे तीनों में तो केवल 11 ही दिख रहा है, तीनों में क्या दिख रहा है 11,
बोलेंगे दो भी तो दिख रहा है, तो दो ही नंबर में, तीसरा नंबर में नहीं है, इसलिए हम लोग दो को नहीं ले सकते हैं। क्या होगा? ग्यारह। और आपका यही क्या हो गया? HCF। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं तीन नंबर वाला लेता हूं जो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो देखिए आपका है क्या, जैसे आपका रहा 110 है कि नहीं, 220 है कि नहीं, और आपका रह गया आपका जाकर के 55, इस तरह से। तो इनका कैसे निकालें? तो वही चीज ज्यादा नहीं, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा टफ है, हालांकि टफ नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो इस तरह से करें कि 110 है तो इसको 2 से कटा दें, क्या हो जाएगा? 2 × 5 = 10, बचा 1 = 10, 2 × 5 = 10, फिर ये 5 से कटेगा, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, इस तरह से 110 का जो आपका निकला वो कितना निकला? 2 × 5 × 11। फिर हम 220 का लेते हैं, किसका लेते हैं? 220 का। अब देखिए यहां से 2 से करें तो 110 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 5, इस तरह से 220 का जो आपका निकला वो कितना निकला? 2 × 2 × 5 × 11। फिर आपका 55 है, क्या है? 55। अब 55 को तोड़े तो क्या होगा? 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, इस तरह से 55 का जो आपका निकला वो निकला आपका 5 × 11। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इन सब में आपको देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे कॉमन तो आपका 5 सब में दिख रहा है, तो हम लोग 5 ले लेंगे, और फिर क्या दिख रहा है? 11 भी सब में दिख रहा था, हम 11 भी ले लेंगे। इस तरह से कॉमन आपका क्या क्या दिखा? 5 दिखा और 11 दिखा, इस तरह से 55 हो गया, और यही 55 आपका क्या बन गया? HCF बन गया, किसका? इन तीनों में से। आशा करते हैं कि आपको भली भांति बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे जा रहा हूं और इसको समझाऊंगा। इसी से जो प्रश्न पूछा जाता है, इस पर किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है आपका वो देखिए क्या है। हम इसको क्या बोलेंगे, दोबारा इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 5 = 1 × 5 × 1 × 11 × 1। फिर हम लोग इसको इस तरह से लिखते, 2 × 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, 11 × 1 तो है इसलिए, और इसको लिख सकते हैं 5 × 1 और 11 × 1, 1 तो है इसलिए। तो हम बताए थे कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे इसमें तो 5 दिख रहा है और इसमें 11 दिख रहा है, और देखिए सब में पावर 1 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 11 = 55। चलिए इससे हम आधारित एक या दो प्रश्न कराएंगे और इसके बाद इसको यहीं तक रोक देंगे, है ना। चलिए क्या है यहाँ पर, तो चलिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है फैक्टर पे वो आप देखिए। फैक्टर पे आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए जैसे रहेगा 2 × 3 × 5 × 6 × 7 × 2 × 11, एक दिया हुआ रहेगा 2 × 4 × 5 × 3 × 7 × 13। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो दो नंबर दिया हुआ, इसको नंबर मानना है, ये जो दिया हुआ है ये सब नंबर, ये वाला भी नंबर है और ये भी नंबर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर ही ना बनता है, 4 × 5 क्या हुआ 20, वो नंबर ही ना बना। तो आप यहाँ पर देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 7, लेकिन 11 और 13 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो बोलेंगे नहीं, तो बस यहीं तक रुक जाना है। अब हम लोग को देखना है कि 2 का मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पर तो 3 दिख रहा है, यहाँ 4, तो मिनिमम पावर लेना है कितना? 3। 5 का मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ 6, तो मिनिमम कौन है 3, तो 3 को लेंगे। 7 का मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 है, तो क्या लेंगे 1, और यही आपका क्या हो गया HCF, ये क्या हो गया HCF। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। एक मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ, दूसरा प्रश्न है 2 × 6 × 3 × 7 × 13 × 5 × 3 × 2 × 7 × 17 × 2। अब इसमें से आप देखिए कि कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे कॉमन तो 3 दिख रहा है, और कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलेंगे कॉमन तो 17 दिख रहा है, और इसके अलावा कुछ दिख रहा है, तो बोलेंगे नहीं। तो देखिए 3 में मिनिमम पावर क्या है, तो बोलेंगे 2, क्योंकि यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 2 है, तो 2 ले लेंगे, और यहाँ 17 में देखिए कि एक 3 है, यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर क्या है 2, तो ये ले लेंगे,
और आपका क्या हो गया, यही आपका एसिड हो गया। आशा करते हैं कि ये आपको भली भांति बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं हर दिन के भांति आज भी एक लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा वो बताएं, है कि नहीं? आंसर क्या होगा वो देखिए, प्रश्न पूछते हैं। ये देखिए, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। 2 के पावर 3 गुना, 3 के पावर 4 गुना, 5 के पावर 4 गुना, 7 के पावर 3, फिर है आपका 3 के पावर 8, 5 के पावर 4, 7 के पावर 6 और यहाँ पर 2 के पावर 8। इसमें से बताइए कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में दें। या नहीं तो डायरेक्ट, आप ऐसा नहीं कि पावर के फॉर्म में ना हो तो आप डायरेक्ट गुना करके भी आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पावर के, अगर आप पावर के फॉर्म में ना लिख पाए, पावर में तो डायरेक्ट जैसे 2 के पावर 2 होता है ना, तो आप इस तरह से ना लिख करके 4 भी आंसर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। आप जरूर इसका जवाब दें। चलिए, थैंक यू।